दानिश साहब को 30 साल हो गए तुम्हारे बाप के साथ ईमानदारी से काम करते हुए, जरा भी लिहाज नहीं किया तुमने उनका। लगता है उन्होंने आके आपसे शिकायत की, उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पुराने आदमी हैं, अपने दिल का हाल कहने आ गए तो उसमें क्या हो गया? मुझे ऐसे अनप्रोफेशनल लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो ऑफिस की बातें घर पर करते हैं। मैं कल उन्हें कह दूंगा कि ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे गए। गुड, अच्छा है खुद ही रिजाइन कर दिया। आपको इनके इमोशनल ब्लैकमेल में आने की कोई जरूरत नहीं मॉम। असलान तुम्हें क्या हो गया है, इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? हर किसी पर शक करते हो, सुबह शाम सिर्फ पैसे बनाने वाली मशीन बनकर रह गए हो। किसी किसी वक्त मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे से नहीं किसी पत्थर की मूर्ति से बात कर रही हूं, जिस पर किसी की कोई बात का असर नहीं होता। तो क्या चाहती हूँ? दानिश साहब के रेजिग्नेशन से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, और आई एम श्योर तुम्हारे बाप की रूह को भी हुई होगी। तुम्हें मुझे तकलीफ पहुंचाकर सुकून मिलता है क्या? अगर तुम्हें जरा सा भी एहसास है ना, तो दानिश साहब को वापस बुला लो। खुद को बदले मॉम। इसी तरह की ब्लैकमेलिंग की वजह से आज शनाया हमारे बीच नहीं, इन लोगों को इनकी जगह पर रखें। क्या जगह है इनकी? सब इंसान है बेटा। क्या? कौन है यहां जो इंसान कहने के लायक है? कहां थे ये इंसान और इनकी इंसानियत जब शनाया को गवाही की जरूरत थी? कहां थे ये? मैं कल ही उनसे कह दूंगा कि मैं उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं।